अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट 3 जो फ्रैक्शंस है इसकी एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 53 पर है। और आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन 1 के पार्ट दिए हुए हैं इनको हमने फिगर्स की हेल्प से सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, साथ साथ फिगर भी ड्रॉ करने हैं। तो पार्ट ए है 1/2 मल्टीप्लाई 12। तो इसको सॉल्व करते हैं पार्ट ए में। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए, 1/2 का मतलब है हाफ। यानी कि ये है ना फिगर, ये एक रेक्टेंगल है ना, तो ये इसका हाफ है, हाफ फिल है ना। जो फिल होगा उसको ये शो कर रहा है 1, और 2 किसको शो कर रहा है, ये 2 है ना, 2 हैं, ये देखें 2, 1 और ये 2, और ये फिल कर दिया इसको कहेंगे ये वाला 1 और 2, ये दोनों हैं। तो इसी तरह से हम कितने बनाने हैं, 12। तो बनाते हैं फिर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो ये हाफ हाफ ऐसे इसको कर लें, ये हाफ है, यानी एक जो है उसको हमने कलर कर लिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसको जब इसमें फिल करेंगे तो ये एक बन जाएगा ना, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये 6 कंप्लीट फिगर बन जाएंगे, ये वाले ऐसे। ऐसे ये कंप्लीट 6 फिगर बन जाएंगे। तो ऐसे इसकी फिगर्स बनानी है। तो ये लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितनी दफ़ा लिखना है, 12 टाइम्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। साथ ये 1/2 मल्टीप्लाई 12। तो जब इसका एलसीएम लिया 2,
तो ये आ गया 1 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 6 जा 12 6 आ गया इधर, तो ये कितना आ गया 12 ओवर 2, तो ये क्या आ गया आंसर इसका 6। तो 6 फिगर्स होल आनी है, ये हमने ड्रॉ कर दी ना 6 फिगर्स, तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी, 5/9 मल्टीप्लाई 7, तो हमने 7 फिगर्स बनानी है 5/9 की, ऐसे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 7 फिगर्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 हो गई, 7 बनानी है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया ना 5/9 प्लस 5/9 प्लस 5/9 प्लस 5/9 प्लस 5/9, 1 2 3 4 5, 5/9 प्लस 5/9, तो ये 5/9 है। 5 जो है डार्क कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ये इतने इतने 5 तक, ये भी 1 2 3 4 5, फाइव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को हमने डार्क करना है, 9 है ना टोटल, तो 5 को डार्क कर देना है, 1 2 3 4 5, 5 तो ये कितने डार्क हो गए, 5 7 35, 35 डार्क हो गए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये कितने हो गए 27, 1 2 3, 9 है ना इसमें 27, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
8, 9, तो इसमें 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7 जार 35, तो 35 हमने डार्क करने हैं इधर। 9, 9, 9, 27, 27 और 8 क्या हो गए, 35, तो ये सारा डार्क हो गया। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट डार्क हो गए। ये 27 डार्क हो गए हैं, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये यहाँ तक एक रहना है बाकी जो अनफिल्ड होगा, बाकी सबको फिल्ड कर देना है। तो ये क्या आएंगे, 1, 2, 3, ये कंप्लीट है ना, 3 होल प्लस 8/9, ये 8 फिल है तो टोटल 9 है, 8/9, तो ये इसका आंसर आना है। तो इसको भी हम करेंगे तो यही आएगा 9, एलसीएम आ गया। 5 + 5, 5 + 5, 5 + 5 + 5, तो ये आ गया 3 होल 8/9। 5, 7 = 35, 35/9, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 35 को 9 पे, 9, 3 = 27, रिमाइंडर आ गया 8, तो यही आएगा 3 होल 8/9। तो यही हमने फिगर्स की मदद से शो कर दिया और इसको सॉल्व भी कर दिया, 3 होल 8/9। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर सी सॉल्व करेंगे, 6/7 × 3, 6/7 × 3, तो हमने 6/7 की फिगर्स बनानी है 3। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गई फिगर्स। तो ये हमने क्या करना है, 6 को फिल कर देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को फिल कर देंगे। ऐसी 3 बनानी है हमने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 6 फिल कर देंगे। टोटल 7 है ना, 6/7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6/7 + 6/7 + 6/7, टोटल कितने हो गए, 6, 3 = 18, 6, 6, 6, 6, 3 = 18, 18 हमने डार्क कर देनी है। 21 बनाएंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी डार करनी है? 5 6 6 6, 18 18 को हमने डार कर देना। तो ये होगी 7 7 14, और 4 4, ये तो ये दो मुकम्मल हो गई ना, 2 होल प्लस 4 ओवर 7 ये आएगा। तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, 7 6 प्लस 6 प्लस 6, ये आएगा 2 होल 4 ओवर 7, 18 ओवर 7, 18 ओवर 7, 18 को डिवाइड करेंगे 7 पे, 7 2 14, 4 रिमाइंडर आ गया, तो ये आ गया 2 होल 4 ओवर 7, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी, 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये है ना 3 ओवर 4, तो ये 4 टोटल बनानी है, 1 2 3 4, तो ये 4 आएंगे, 1 2 3 4, 3 ओवर 4 के 3 जो बॉक्सेस हैं उसको डार कर देंगे, 3 3 तक हमने डार कर दी, ये भी 3, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हैं? 3 3 3 3, कितने हो गए? 12, तो ये भी 4 4 4, 12 हो गए, तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आ गया 3 होल, तो बाकी कुछ नहीं ना बचा, तो इसलिए इसको लिखेंगे, ये तीनों मुकम्मल हो गए, तो ये लिखेंगे 3, ये 3 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4, तो इसका एलसीएम देंगे आप 4 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 12 ओवर 4, 4 3 12, तो ये 3 आ गया। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया, 3 आंसर आना था इसका। पार्ट ई, 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 है ना, 1 2 3, तो ये 5 है, 1 2 3 4 5, 2 को हमने डार्क करना है, 2 ओवर 3 है ना, 2 डार्क हो जाएंगे, ये 2 2 2 2, कितने हो गए? 2 5 10, 1 2
फोर थ्री 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 और ये एक हो जाएगा, थ्री 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 नाइन, नाइन और वन टेन, टू ओवर थ्री प्लस टू ओवर थ्री प्लस टू ओवर थ्री प्लस टू ओवर थ्री प्लस टू ओवर थ्री, ये हो गया होल कितने हैं, थ्री है ना, थ्री प्लस वन ओवर थ्री, ये वन हो गया और थ्री, तो इसको लिखेंगे थ्री एलसीएम टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो ये आ गया थ्री होल वन ओवर थ्री, ये टेन ओवर थ्री, तो इसको डिवाइड करेंगे जब टेन को थ्री पे, थ्री थ्री जन नाइन वन, तो क्या आएगा थ्री होल वन ओवर थ्री, तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ, फाइव ओवर सिक्स मल्टीप्लाई नाइन, तो कितने बनाने हैं हमने फिगर्स, नाइन बनानी है फाइव ओवर सिक्स की, सिक्स उसके बॉक्सेस होंगे, टोटल बॉक्सेस सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन है ना टोटल, थ्री फोर फाइव और सिक्स, फाइव ये फिल हो जाने और एक खाली रहना है, सिक्स है ना टोटल, फाइव ओवर सिक्स प्लस फाइव ओवर सिक्स प्लस फाइव ओवर सिक्स प्लस फाइव ओवर सिक्स, इन सब को ऐड करना है, तो ये कितने हैं, फाइव नाइन्स आर फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव बॉक्सेस बनाने जो फिल होने हैं, को इधर ड्रा कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये है ना फोर्टी फाइव, फाइव हैं तो नाइन है, फाइव नाइन यार फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव जो हैं बॉक्सेस को हमने फिल करना है, तो ये कितने होंगे, सिक्स 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 सिक्स, ये टोटल हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन सिक्स आर फोर्टी टू, फोर्टी टू और थ्री फोर्टी फाइव, थ्री ये वाले हो जाएंगे, तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा, सेवन होल थ्री ओवर सिक्स, सेवन होल थ्री ओवर सिक्स आ जाएगा, सिक्स एलसीएम आ गया, फाइव प्लस फाइव थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट
नाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया ना 45/6। 45/6 3 पे डिवाइड है, 3 3 3 2 6, 3 1 3, 1 carry 15, 3 5 15, तो ये आ गया 15/2। 15 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, 2 7 14, 1 remainder, 7 whole 1/2, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये जो है 3/6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 1 3 3 2 6, इसको लिख सकते हैं 7 whole 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर एफ का। तो ये पार्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए है 4/5 × 1/4। तो इसमें फ्रैक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना है। पिछली एक्सरसाइज में फ्रैक्शंस को ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, इस एक्सरसाइज में फ्रैक्शंस को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए, 4/5 × 1/4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। फोर से फोर कैंसिल हो गया, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, तो ये इसका आंसर आ गया 1/5। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2, 3/7 × 14/18। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 18 से, 14 और 7 एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, 7 1s are 7, 7 2s are 14। इसके बाद 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो ये 2/6 आ गया। ये भी कैंसिल हो सकते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये आ गया 1/3। ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर सी, 5/3 × 75/20। 5 75 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 20 से, 5 और 20 कैंसिल हो सकते हैं, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 15, 3 5s are 15, तो ये आ गया 25/4। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25/4 को इसको डिवाइड कर लेते हैं, फोर सिक्स आर 24, सब्ट्रैक्ट किया तो 5 − 4 = 1, तो ये आ गया 6 whole 1/4। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर डी, 58/60 × 4/20 × 10/20, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 58 फोर 10
ट्वेंटी मल्टीप्लाई ट्वेंटी, फोर वन ज़र फोर, फोर फाइव ज़र ट्वेंटी, फाइव वन ज़र फाइव, फाइव टू ज़र टेन, तो ये हम लिखेंगे 58 मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई टू, वन को टू से मल्टीप्लाई किया टू आ गया, 60 मल्टीप्लाई ट्वेंटी। अब फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, टू वन ज़र टू, टू वन ज़र टू ज़ीरो, अब फिर टू पे डिवाइड कर सकते हैं, टू फाइव ज़र टेन, टू टू ज़र फोर, वन एटीन बन गया, टू नाइन ज़र एटीन, तो ये 29 आ गया, 29 ओवर 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 300। तो ये आ गया पार्ट डी का आंसर, 29 ओवर 300। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई क्वेश्चन नंबर टू, टू ओवर 7 मल्टीप्लाई 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 3 ओवर 7, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 3 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, 2 ना किसी नीचे किसी के साथ कैंसिल हो सकता है, ना ही 4 ना ही 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 7 5 ज़ार 35, 35 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़ार 35, 5 3 कैरी, 7 3 ज़ार 21, 21 और 3, तो ये आ गया 24, तो ये आ गया 245। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट नंबर एफ, 30 ओवर 28 मल्टीप्लाई 2 ओवर 8 मल्टीप्लाई 6 ओवर 9, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 और 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, इसके बाद नीचे जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसको इसको, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, टू वन ज़ार टू, टू फोर ज़ार एट, इसके बाद इसको फिर टू पे डिवाइड कर सकते हैं, टू टू ज़ार फोर, टू टू थ्री ज़ार सिक्स, थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री थ्री ज़ार नाइन, तो ये आ गया 30 ओवर 28 मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री, टू थ्री ज़ार सिक्स, ये आ गया 30 ओवर 28 मल्टीप्लाई सिक्स, टू थ्री ज़ार सिक्स, सिक्स वन ज़ार सिक्स, सिक्स फाइव ज़ार 30, तो ये आ गया 5 ओवर 28। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट जी, वन होल 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई टू होल 3 ओवर 7 मल्टीप्लाई 3 होल 3 ओवर 4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फाइव वन ज़र फाइव, फाइव और थ्री एट, एट ओवर फाइव, सेवन टू ज़र फोर्टीन, फोर्टीन और थ्री सेवनटीन, सेवनटीन ओवर सेवन, फोर थ्री ज़र ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन ओवर फोर। अब इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, फाइव वन ज़र फाइव, फाइव थ्री ज़र फिफ्टीन, फोर वन ज़र फोर, फोर टू ज़र एट, ऐसे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू
मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 3 ओवर 7। 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 34। 34 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12 2 1 कैरी, 3 3 9 9 और 1 10, तो ये आ गया 102 ओवर 7। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 7 1 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 7 3, 2 को नीचे उतार लिए, 7 4 20 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 32 - 28 4 आ गया। आंसर लिखेंगे 14 होल 4 ओवर 7। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर एच, क्वेश्चन नंबर 2, 5 होल 10 ओवर 35 मल्टीप्लाई 8 होल 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई 9 होल 3 ओवर 11 9 होल 3 ओवर 11। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 35 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 2 17, ये अगर 175। इसमें 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड किया तो ये अगर 5 8 1 185 आ गया, 185 ओवर 35 मल्टीप्लाई 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 40 40 में 2 ऐड किया, 42 ओवर 5 मल्टीप्लाई 11 को मल्टीप्लाई करना 9 से, 9 11 ज़ार 99 99 और 3 102 102 ओवर 11। इसके बाद अब कैंसिल कर देंगे, 35 और 185 5 पे कैंसिल हो सकते हैं, या ऐसे कर लें 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15 3 कैरी 35 5 7 ज़ार 35 तो ये आ गया 37 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 102 ओवर 35 मल्टीप्लाई 11। अब 37 42 और 102 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 37 और 42 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 ज़ार 14 4 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 6 और 1 7 4 7 ज़ार 28 28 का 8 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 2 14 4 7 8 15 5 1 कैरी, 4 और 1 5 1 ये आ गया 1554। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 102 से, 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10 0 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10 और 1 11 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 2 और 1 3 0 से मल्टीप्लाई किया तो सब 0 ही आएंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया 4 5 5 1 8 0 5 8 5 1 1,58,508।
35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। फाइव वन ज़र फाइव, थ्री वन ज़र थ्री, ऐसे ही फाइव वन ज़र फाइव, थ्री वन ज़र थ्री, फाइव एट थ्री, 385। ये ऊपर और नीचे 7 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 385 को पहले 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 फाइव ज़ार 35, थ्री कैरी 35, 7 फाइव ज़ार 35। इसी तरह से ऊपर 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 टू ज़ार 14, 1 कैरी 18, 7 टू ज़ार 14, 4 कैरी 45, 7 सिक्स ज़ार 42, 3 कैरी 30, 7 फोर ज़ार 28, 2 कैरी 28, 7 फोर ज़ार 28। तो ये आ गया 22,644/55। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके 22,644 डिवाइड 55। 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 220। सब्ट्रैक्ट करेंगे 226 माइनस 220 तो ये आएगा 6 है। एक 4 को नीचे उतार लिया ये वाला। अब 55 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 55। सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 माइनस 55 तो ये आ गया 9। 4 को नीचे उतार लेते हैं, 55 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 55 तो 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इधर से कैरी लेंगे। 14 14 माइनस 5 9, इधर बच गया 8, 8 माइनस 5 3, तो रिमाइंडर आ गया 39। तो इसको लिखेंगे हम 411 होल 39 ओवर 55। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट नंबर आई, 9 होल 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 10 होल 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 होल 1 ओवर 2। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 नाइन ज़ार 81, 81 और 1 82 ओवर 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 तो ये आ गया 30, 30 और 1 31 ओवर 3। 5 टू ज़ार 10 और 1 11 ओवर 2। 2 वन ज़ार 2, 2 फोर ज़ार 8, 2 वन ज़ार 2 तो ये आ गया 41 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 11। 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 9 मल्टीप्लाई 3, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 41 और 31 को मल्टीप्लाई करते हैं, 41 मल्टीप्लाई 31, 1 1 1 1 को 4 से 4, 3 वन ज़र 3, 4 3 ज़र 12, 1 7 2 1, 1271 आ गया। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 1721 1721 1893 1, 13,981। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते ये आ गया 27। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 13,981 डिवाइड 27,
तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आएगा 135। 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0। 8 को नीचे उतार लिया, 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। 8 माइनस 7 1, 4 माइनस 2 2। अब 1 को भी नीचे उतार लिया, 27 का टेबल हमने पढ़ना है 7 तक। 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 189। सब्ट्रैक्ट करेंगे 211 माइनस 189, तो ये आएगा 22 आएगा। तो इसको लिखेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में 517 होल 22 ओवर 27, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सॉल्व करना है, ये डिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें डिवाइड है। पहले हमने मल्टीप्लाई वाले किए, अब फ्रैक्शंस को हमने डिवाइड करना है। पार्ट है 4 ओवर 12 डिवाइड 4 ओवर 18। क्वेश्चन 3 पार्ट ए, फोर ओवर ट्वेल्व डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में तब्दील कर देना है और इसका रेसिप्रोकल ले लेना है सेकंड फ्रैक्शन का। 18 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, 18 ओवर 4। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करना है तो ये तब्दील हो जाएंगे, ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, 4 नीचे आ जाएगा और 18 ऊपर। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 4 1 4। अब हम 6 पे कैंसिल कर सकते हैं, 6 2 12, 6 3 18, 3 ओवर 2 इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 3, 3 ओवर 25 डिवाइड 9 ओवर 45। तो इसको वैसे लिख लेंगे, 3 ओवर 25 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे, 45 ऊपर लिख लेंगे और 9 नीचे, 3 1 3 3 3 9, 25 5 पे डिवाइड हो सकता है और 45 भी 5 पे, 5 5 25, 5 9 45। तो ये 9 और 3 भी कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 3 3 3 9, तो ये आएगा 3 ओवर 5। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सी, 5 ओवर 60 डिवाइड 7 और 20। 5 ओवर 60 को वैसे लिख लेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे कर देंगे, 20 ओवर 7। 60 20 के साथ कैंसिल हो सकते हैं, 20 1 20, 20 3 60, 5 1 5, 37 21, तो ये 5 ओवर 21 आ गया। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर डी, 2 होल 58 ओवर 60 डिवाइड 4 होल 4 ओवर 20। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 120, 58 इसमें ऐड कर देंगे, 8 5 और 2 7 1, ये आ गया 178।
ओवर 60 डिवाइड 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ये आ जाएगा 80। 400 4 2 8 80 80 को 4 में ऐड करेंगे 84 आ जाएगा, 84 ओवर 20। इसके बाद हम 178 ओवर 60 डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 84 को नीचे लिख लेंगे और 20 को ऊपर, 20 ओवर 84, 21 जर 20, 23 जर 60, 178, 3 को 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 84, 178 और 84 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16, 1 carry 18, 2 9 18, अब ये आ गया 89 ओवर 3 को 42 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 3 4 12, तो ये आ गया 89 ओवर 126। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ई, 5 होल 5 ओवर 9 डिवाइड 9 होल 6 ओवर 7, 5 9s are 45, 45 over 5 50 50 over 9 divide 9 7s are 63, 63 plus 6 69 over 7, 50 over 9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया, 7 को ऊपर लिख लिया और 69 को नीचे, ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और 9 को 69 से, 50 मल्टीप्लाई 7, 700 7 5 35, तो ये आ गया 350, 9 को 69 से, 9 9s are 81, 81 का 1 8 carry, 9 6s are 54, 54 और 8 62, तो ये आ गया 621। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर एफ, 6 होल 30 ओवर 32 डिवाइड 7 होल 2 ओवर 4, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2s are 12, 2 1 carry 6 3s are 18, 18 और 1 19 192 में 30 ऐड कर देंगे, 2 9 3 12, 2 1 carry 1 और 1 2 222 ओवर 32 डिवाइड 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 28 और 2 30, 30 ओवर 4, 222 ओवर 32 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया, 4 ओवर 30, 4 और 32 कैंसिल हो सकते हैं, 4 1s are 4, 4 8s are 32, 30 और 222 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 1s are 3 0, 3 7s are 21, 1 carry 12, 3 4s are 12, 74 ओवर 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 80, 74 को भी 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 80 को भी 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 3s are 6, 1 carry 14, 2 7s are 14, 2 4s are 8 0, 37 ओवर 40, ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट जी क्वेश्चन नंबर 3, 2 होल 5 ओवर 6 डिवाइड
फोर होल टू ओवर नाइन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिक्स टू ज़ार 12 और 5 17 ओवर 6 डिवाइड। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये गया 36, 36 और 2 38, 38 ओवर 9 17 ओवर 6। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे 9 ओवर 38, 3 पे डिवाइड करेंगे 3 टू ज़ार 6 3 3 ज़ार 9। 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 51, 2 को 38 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 76। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर एच। 3 होल 1 ओवर 2 डिवाइड 4 ओवर 9। 2 3 ज़ार 6 6 और 1 7, 7 ओवर 2 डिवाइड 4 ओवर 9। 7 ओवर 2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देगा 9 ओवर 4। 7 9 ज़ार 63, 2 4 ज़ार 8, 63 ओवर 8। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 7 ज़ार 56, 63 माइनस 56 ये आ गया 7। लिखेंगे 7 होल 7 ओवर 8। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर आई। 1 ओवर 7 डिवाइड 2 होल 6 ओवर 7। 1 ओवर 7 डिवाइड 7 टू ज़ार 14, 14 और 6 20, 20 ओवर 7। 1 ओवर 7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे 7 ओवर 20 हो जाएगा। ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, तो 1 ओवर 20 आ गया। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। 6 साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इफ़ 5 होल 1 ओवर 2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ यूज टू स्टिच 1 ड्रेस, हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 सच ड्रेसेस। अगर एक ड्रेस को सिलाई करने के लिए 5 होल 1 ओवर 2 मीटर क्लॉथ यूज हुआ है, तो उसने कहा है हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 सच ड्रेसेस। तो 7 ड्रेसेस को सिलाई करने के लिए कितना क्लॉथ लगेगा, यानी कितना क्लॉथ यूज़ होगा। एक ड्रेस को बनाने के लिए 5 होल 1 ओवर 2 मीटर कपड़ा लगा है, तो 7 ड्रेसेस को सिलाई करने के लिए कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा। तो 5 होल 1 ओवर 2 मीटर से हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 ड्रेसेस का क्लॉथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लॉथ यूज इन 1 ड्रेस। फाइव होल 1 ओवर 2 मीटर, तो अब हमने फाइंड करना है 7 ड्रेसेस का क्लॉथ। टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर स्टिचिंग ऑफ 7 ड्रेसेस, we will multiply 5 whole 1 over 2 meter by 7। 5 whole 1 over 2 meter को हम 7 से multiply करेंगे। cloth used in 7 dresses,
फाइव होल 1/2 मीटर को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले 2 5 10 और 1 11, 11/2 मल्टीप्लाई 7, 7 11 से मल्टीप्लाई हो गया, 11 मल्टीप्लाई 7 तो ये आ गया 77/2। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 77 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 3 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 6 1, 7 को नीचे उतारेंगे, 2 8 16 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। तो ये आ गया 38 होल 1/2। तो ये 7 ड्रेसेस के लिए इतने मीटर कपड़ा यूज़ हुआ है। लिखेंगे 38 होल 1/2 मीटर क्लॉथ विल बी यूज्ड टू स्टिच सेवन ड्रेसेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हिना एट 1/2 ऑफ केक। हिना ने केक का हाफ हिस्सा खा लिया, यानी कि 1/2 आधा हिस्सा खा लिया। इफ देयर वर 8 पीसेस ऑफ केक, अगर एक केक के 8 पीस हों, हाउ मैनी पीसेस डिड हिना ईट, तो हिना ने कितने पीस खा लिए। तो ये हमने फाइंड करना है। हिना एट 1/2 ऑफ केक, यानी हिना ने आधा हिस्सा खा लिया केक का, तो 8 पीस अगर हों तो कितने पीस खा लिए उसने। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ऑफ केक दैट इज ईटन वन ओवर टू, यानी कि जितना हिस्सा केक का खा लिया, 1/2 केक खा लिया उसने, टोटल पीसेस ऑफ केक, एट पीसेस हैं। टू फाइंड द ईटन पीसेस ऑफ केक वी विल मल्टीप्लाई 8 बाय 1/2। एट बाई 1/2, यानी किसने कितना केक ऐसा खाया उसको निकालने के लिए क्या फाइंड करें, 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे नंबर ऑफ ईटन पीसेस, एट मल्टीप्लाई 1/2, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 8/2, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, 2 1 2 2 4 8, 4 आ गया। ठीक है, उसने 4 पीसेस खा लिए। सो हिना 8 4 पीसेस ऑफ केक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निदा
हैड थ्री ओवर द वेल्व ऑफ अ पिज़्ज़ा, निदा के पास थ्री ओवर द वेल्व पिज़्ज़ा है। शी गेव वन ओवर एट ऑफ इट टू हर फ्रेंड मदीहा, तो उसने वन ओवर एट हिस्सा जो है वो अपनी दोस्त मदीहा को दे दिया। फाइंड आउट वट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट, तो मदीहा ने कितना हिस्सा ले लिया वो फाइंड करना, होल पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा ले लिया मदीहा ने वो हमने फाइंड करना। तो इतना हिस्सा उसने मदीहा को दे दिया वन ओवर एट, तो मदीहा ने कितना हिस्सा हासिल किया पिज़्ज़े का वो फाइंड करना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मदीहा ने पिज़्ज़ा हासिल किया है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निदा हैज़ पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा, निदा हैज़ पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा थ्री ओवर ट्वेल्व बाय मल्टीप्लाइंग वन ओवर एट एंड थ्री ओवर ट्वेल्व वी विल गेट द पार्ट गिवन टू मदीहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मदीहा को पार्ट मिला है वो निकल आएगा, पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा गिवन टू मदीहा। वन ओवर एट मल्टीप्लाई थ्री ओवर ट्वेल्व, वन मल्टीप्लाई थ्री, एट मल्टीप्लाई ट्वेल्व, थ्री वन जर थ्री, थ्री फोर जर ट्वेल्व, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, एट फोर जर थर्टी टू। तो मदीहा को 1/32 पार्ट मिला है पिज़्ज़ा का, सो मदीहा गेट्स 1/32 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, टू डेकोरेट द क्लासरूम हसन यूज रिबन्स ऑफ टू कलर्स, क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए हसन दो कलर्स यूज़ करता है, रिबन्स के टू कलर्स यूज़ करता है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 5 होल 7/8 meters, तो जो ब्लू रिबन की लेंथ है वो है 5 होल 7/8 meters। द लेंथ ऑफ रेड रिबन इज़ 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, तो जो रेड रिबन की लेंथ है वो क्या है, 2/3 है ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन की क्या है 2/3 पार्ट है रेड रिबन जो है ब्लू रिबन का। तो हमने फाइंड करना है पार्ट ए में व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेड रिबन, तो ब्लू रिबन की तो लेंथ दी हुई है तो रेड रिबन की लेंथ हमने फाइंड करनी है। पार्ट बी में फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ रिबन्स, यानी कि इनको हमने ऐड भी करना है, ब्लू रिबन को और रेड रिबन को इनकी लेंथ फाइंड करनी है दोनों की पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर सेवन, पार्ट नंबर ए, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन
ब्लू रिबन की लेंथ है 5 होल 7/8 मीटर। टू फाइंड द लेंथ ऑफ रेड रिबन वी विल मल्टीप्लाई 5 होल 7/8 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2/3 से, लेंथ ऑफ रेड रिबन। फाइव होल 7/8 मल्टीप्लाई 2/3, 8 5s are 40, 40 plus 7, 47, 47/8 मल्टीप्लाई 2/3, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 47 divide 4 3s are 12, 47 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, 12 3 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। 3 होल 11/12 मीटर, तो ये रेड रिबन की लेंथ आ गई। तो लिखेंगे सो लेंथ ऑफ रेड रिबन इज, ये वाली लेंथ लिख देंगे 3 होल 11/12 मीटर। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट बी में हमने फाइंड करना है टोटल लेंथ। टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स वी विल ऐड to find that length of both ribbons we will add कर देंगे दोनों ribbons की length को। red ribbon की length क्या है 5 होल 7/8 एंड अभी जो रेड रिबन की लेंथ क्या है 3 होल 11/12 इनको ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ ऑफ रिबन टोटल लेंथ ऑफ रिबन 5 होल 7/8 प्लस 3 होल 11/12। तो इनको इम्प्रॉपर फैशन में कन्वर्ट कर देंगे 8 5s are 40 plus 7 47/8 प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 36 plus 11, तो ये आ गया 47/12। एलसीएम इसका निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 1 में हमने सीखा है ना एलसीएम, वही निकालना है जब फ्रैक्शन को ऐड करते थे, तो इनको सेम करना होता है 8 12, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 वैसे आ गए 3 1s are 3। एलसीएम 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24, 24 एलसीएम आ गया। तो 8 को भी 24 बनाना है और इसको भी 24 बनाना है। 47 multiply 3
एट मल्टीप्लाई थ्री 47, मल्टीप्लाई टू 12, मल्टीप्लाई टू 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 141। 8 3 24, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 94/24। इनको ऐड कर लेते हैं, 24 वैसे आ गया 141 + 94, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 235/24। इन दोनों को ऐड करके लिखने, 235/24, 24 पे डिवाइड कर देंगे, 24 × 9 216 आएगा, 235 − 216 तो ये आएगा 19। देखेंगे 9 whole 19/24, तो टोटल लेंथ आ गई फिर 9 whole 19/24 मीटर। सो द लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स बोथ रिबन इज 9 whole 19/24 मीटर। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर विच रिजल्ट्स इज 4 whole 5/9 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6 whole 1/6। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर विच रिजल्ट्स इज 4 whole 5/9, वो नंबर फाइंड करें जिसका रिजल्ट 4 whole 5/9 आए। व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6 whole 1/6 के जब उस नंबर को 6 whole 1/6 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि वो नंबर फाइंड करें जिसको 6 whole 1/6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में क्या आए, 4 whole 5/9 आए। रिजल्ट में 4 whole 5/9 आए और मल्टीप्लाई करें इससे 6 whole 1/6 से, वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 whole 5/9 को डिवाइड करेंगे 6 whole 1/6 पे, तो वो नंबर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वी विल गेट रिक्वायर्ड नंबर बाय डिवाइडिंग 4 whole 5/9 बाय 6 whole 1/6। यानी कि 4 whole 5/9 को डिवाइड करना 6 whole 1/6 पे, रिक्वायर्ड नंबर फोर होल फाइव ओवर नाइन डिवाइड बाय 6 whole 1/6। तो ये मिक्सड फ्रैक्शन में है तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 9 = 36, 36 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 41, 41/9 डिवाइड 6 6 = 36, 36 और 1 37, 37/6, 41/9
डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 6/37 हो जाएगा, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा, ये इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। तो ये कैंसिल हो सकता है 6 और 9, 32 जार 6, 33 जार 9। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 41 मल्टीप्लाई 2, 3 को 37 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 37। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 82। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 111। तो ये रिक्वायर्ड नंबर आ गया फिर 82/111। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 82/111। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 44 होल 1/6 किलोग्राम शुगर इज टू बी पैक्ड इन 4 होल 5/12 किलोग्राम पैकेट्स। तो ये 44 होल 1/6 किलोग्राम शुगर है जिसको पैकेट्स में हमने पैक करना है। कौन कितने किलोग्राम का पैकेट है, ये पैकेट है किलोग्राम। 4 होल 5/12 किलोग्राम का पैकेट है, इसमें पैक करना है। तो फाइंड करें, पार्ट ए में उसने कहा इन हाउ मैनी पैकेट्स शुगर विल बी पैक्ड, तो कितने पैकेट्स में शुगर को पैक किया जाएगा, इतने किलोग्राम के पैकेट्स होंगे ये वाले, ये टोटल शुगर है तो कितने पैकेट्स पैक होंगे। जैसे कि कह लें 50 किलोग्राम शुगर है, उसको 6 किलोग्राम के पैकेट्स में पैक करना है तो कितने पैकेट्स पैक होंगे, ऐसे ही है। या 60 किलोग्राम शुगर लगा लें तो 6 किलोग्राम के पैकेट में कितने पैकेट्स आएंगे, तो ऐसे फाइंड करना है। पार्ट ए में हमने पैकेट्स फाइंड करने, कितने पैकेट्स में पैक होगी। पार्ट बी में हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मैस 4 होल 5/12 किलोग्राम्स। तो उसने पार्ट बी में कहा है कि 9 पैकेट्स में कितने किलोग्राम शुगर होगी। ये एक पैकेट की किलोग्राम शुगर है, एक पैकेट में ये है, तो हमने कितने फाइंड करने हैं, 9 पैकेट्स की शुगर। तो 9 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल शुगर आ जाएगी कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ए, क्वांटिटी ऑफ शुगर ¼ होल 1/6 किलोग्राम केजी, यानी कितनी शुगर है टोटल। तो हमने पार्ट ए में पैकेट्स फाइंड करने, क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग 44 होल 1/6 बाय 4 होल 5/12 किलोग्राम, ये किलोग्राम है ना, ये भी किलोग्राम। तो हम क्या कर लेंगे, नंबर हासिल कर लेंगे कितने पैकेट्स होंगे। वी विल गेट नंबर ऑफ पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ¼ होल 1/6 डिवाइड
फोर होल फाइव ओवर 12। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिक्स फोर ज़ार 24, 24 का 4 2 कैरी, 6 4 ज़ार 24, 24 और 2 26, 264। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 265 आ जाएगा, 265 ओवर 6 डिवाइड 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 48 आएगा। 48 में 5 ऐड करेंगे तो 53, 53 ओवर 12। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 265 ओवर 6 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील किया तो ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अभी ये कैंसिल हो सकते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 265 को 53 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, 53 1 53, 53 5 265। तो ये 5 और 2 आ गया, 5 2 10, तो कितने पैकेट्स आए फिर, 10 पैकेट्स आ गए। सो द शुगर विल बी पैक्ड इन 10 पैकेट्स, सो द शुगर विल बी पैक्ड इन 10 पैकेट्स। तो ये पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मैस। मैस कितना है, 4 होल 5 ओवर 12 किलोग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। टू फाइंड द क्वांटिटी, टू फाइंड द क्वांटिटी of sugar we will multiply four whole five or 12 by 9. Quantity of sugar, quantity of sugar आगे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 12 तो ये आ गया 48, 48 और 5 53, 53 ओवर 12 मल्टीप्लाई 9, 33 ज़ार 9, 34 ज़ार 12, 53 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 159 ओवर 4। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 159 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 3 ज़ार 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 9, 4 9 ज़ार 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 39 माइनस 36, 3, तो ये आ गया 39 होल 3 ओवर 4। तो इतनी किलोग्राम शुगर होगी 9 पैकेट्स में। सो द क्वांटिटी ऑफ शुगर विल बी दिस, सो द क्वांटिटी ऑफ शुगर
विल बी 39 होल 3/4 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।